हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू फार्मेसी क्लासेस बाय आरती मैम। तो आज हम करेंगे जो फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस का पेपर आया था एकेटीयू में 2019-20 में, इसका सी सेक्शन का बी क्वेश्चन करेंगे आज। इससे पहले कि इस पेपर के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो ऑलरेडी आ चुके हैं, अगर आपने नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाके देख सकते हैं, ठीक है। आज हम करेंगे सेक्शन सी के अंदर जो बी क्वेश्चन आया था 2019-20 वाले पेपर में, इसको सॉल्व। तो ये क्वेश्चन आया था, राइट इन ब्रीफ अबाउट होल सेल एंड रिटेल सेल, ठीक है। होल सेल और रिटेल सेल जो है उसके बारे में लिखना है, लेकिन किसके, जो ड्रग्स की होलसेल और रिटेल सेल है। बेसिकली यहाँ पे लिखा नहीं है ड्रग पर, आपको ड्रग्स की या फिर मेडिसिन की जो होलसेल और रिटेल सेल होती है उसके बारे में बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो होलसेल और रिटेल सेल है, तो सबसे पहले सेल को ही डिस्कस कर लेते हैं कि सेल क्या होता है ना। सेल का मतलब बेचना कोई भी चीज, ठीक है। तो यहाँ पे है ये मैन्युफैक्चरर जिसने बनाई है, और यहाँ पर है ये कंज्यूमर, ठीक है। ये है कंज्यूमर, हम बोल सकते हैं कस्टमर या पेशेंट, जो भी जिसको ये मेडिसिन लेनी है ना। तो मैन्युफैक्चरर से, यानी कि जहां पर मेडिसिन बनी है, जिसने बनाई है, वहां से पेशेंट को या कंज्यूमर को ड्रग पहुंचाने को ही तो सेल बोलते हैं, इसी प्रोसेस को तो सेल बोलते हैं हम, ठीक है। अब ये जिसके भी थ्रू जा रही है वही हो जाएगा सेलमैन, सेलमैन या सेल्समैन, ठीक है। तो सेल जो होता है ये बेसिकली एक प्रोसेस होता है जिसमें ड्रग्स का पैसेज होता है। कहां से होता है पैसेज, मैन्युफैक्चरर से और कंज्यूमर तक, ठीक है। यानी ड्रग को मैन्युफैक्चरर से कंज्यूमर तक पहुंचाने को ही हम बोलते हैं सेल। अब सेल जब भी ड्रग्स की होती है तो ऐसा नहीं होता जैसे बाकी सारी चीजों की होती है कि बस शॉप खोल के बैठ जाओ और बेचना स्टार्ट कर दो, ऐसे नहीं होता। जब भी सेल करेंगे ड्रग्स की तो उसके लिए एक लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी। बिना लाइसेंस के कोई भी ड्रग सेल नहीं कर सकता है, ठीक है। अब डिफरेंट डिफरेंट तरीके की ड्रग्स के लिए हमें डिफरेंट डिफरेंट तरीके के लाइसेंस भी जरूरी होते हैं, है ना। जैसे हमें सी और सी वन के लिए अलग से बनवाना पड़ेगा लाइसेंस, एक्स ड्रग अगर बेचनी है उनके लिए अलग से लाइसेंस बनवाना पड़ेगा, ठीक है। वैसे ही डिफरेंट डिफरेंट तरीके की अगर हम मेडिसिन बेच रहे हैं तो उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट तरीके के हमें लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। अब यहाँ पर है ना, मैंने थोड़ा सा ऐसे करके एक फ्लो डायग्राम बनाया हुआ है ताकि आपको यहीं पर ही बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाए। तो देखिए, सेल जो होती है ड्रग की बेसिकली दो तरह की होती है, एक होलसेल और एक रिटेल सेल, ठीक है। जो हमारे क्वेश्चन में पूछा है होलसेल और रिटेल सेल, वही ही। तो होलसेल और रिटेल सेल, होलसेल का मतलब क्या होता है, जैसे मैन्युफैक्चरर है, ये मैन्युफैक्चरर है ना, किसी एक बंदा होता है वो मैन्युफैक्चरर से मेडिसिन खरीद लेता है बहुत सारे अमाउंट में, है ना, इसके पास बहुत सारी। अब ये क्या करेगा, ये जो बीच में ले लिया ना जिस बंदे ने, ये होता है होलसेल वाला, ठीक है। अब ये होलसेल वाला बहुत सारे ना मेडिकल स्टोर को बेच देता है, ठीक है। ये मेडिकल स्टोर के पास आ गए। चलो इस चीज को ना मैं थोड़ा सा आपको अच्छे से समझाती हूँ। देखो यहां पर ये है एक मैन्युफैक्चरर, ठीक है जी, ये है एक कंपनी बेसिकली, है ना। इस कंपनी ने बना दी मेडिसिन और इस कंपनी वाले ने बेच दी एक होलसेलर वाले को, ठीक है। ये है होलसेल वाला। होलसेल का मतलब इसने बहुत सारी मेडिसिन ले ली, इसके पास बल्क में मेडिसिन है, मतलब बहुत सारी कंटेनर के कंटेनर पड़े हुए हैं इसके पास, ठीक है। अब इस होलसेल वाले ने क्या करा, ये देगा बहुत सारे रिटेल सेल वालों को, यानी बेसिकली मेडिकल स्टोर वालों को देता है ये मेडिसिन, है ना। तो ये कौन हो गए, ये हो गए मेडिकल स्टोर वाले, ठीक है। ये हो गए सारे के सारे, चारों के चारे, चारों मेडिकल स्टोर वाले। जो मेडिकल स्टोर वाले होते हैं ये कैसे मेडिसिन देते हैं, ये देते हैं रिटेल सेल में, ठीक है। रिटेल सेल जितनी जिसको चाहिए उतनी दे देंगे, एक टैबलेट चाहिए एक टैबलेट दे देंगे, दस चाहिए दस दे देंगे। लेकिन होलसेल वाला होता है ना, ये पूरे के पूरे कंटेनर्स देता है रिटेल सेल वालों को, ठीक है। तो इतनी चीज हो गई होगी आपको क्लियर। तो ये हो गया होलसेल वाला और ये हो गया रिटेल सेल वाला, ठीक है। लाइसेंस दोनों को ही चाहिए, होलसेल वाले को भी चाहिए और इसको भी चाहिए, रिटेल सेल वालों को भी चाहिए, दोनों को ही चाहिए। तो अब सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं जो होलसेल वाले होते हैं वो कैसे कैसे मेडिसिन को बेच सकते हैं। तो देखो पहली चीज तो ये है कि अपनी शॉप एक खोल सकते हैं, जैसे यहाँ पर इन्होंने शॉप खरीद ली। अब जिस भी मेडिकल स्टोर वाले को जरूरत होगी वो मेडिकल स्टोर वाला इनकी शॉप पे आएगा और यहां से खरीद के ले जाएगा, ठीक है। तो शॉप से खरीद लिया, तो शॉप अगर वो शॉप से बेचना चाहता है होलसेल वाला, तो उसको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले शेड्यूल सी और सी वन वाली ड्रग्स के लिए एक लाइसेंस उसको लेना पड़ेगा, एक सी सी वन से के अलावा जितने भी ड्रग्स हैं उनके लिए उसको लाइसेंस लेना पड़ेगा, और एक लाइसेंस उसको लेना पड़ेगा, ठीक है। ये दो ही लाइसेंस है, ठीक है, दो लाइसेंस इसने ले लिए। इसके बाद में सेकंड है मोटर व्हीकल से अगर कोई बेचना चाह रहा है, तो मोटर व्हीकल का मतलब क्या हुआ, ये जो होलसेल वाला है इसने एक मोटरसाइकिल खरीद ली है, ठीक है, और वो अपनी मोटरसाइकिल, मोटर व्हीकल का मतलब बेसिकली कार या स्कूटर या फिर बाइक, किसी भी चीज से वो जाता है मेडिसिन लेके और इन मेडिकल स्टोर वालों को पहुंचा आता है, ठीक है।
ये क्या हो गया मोटर व्हीकल से, तो अगर वो मोटर व्हीकल से भी बेच रहा है तो भी उसको दो लाइसेंस लगेंगे, एक सीसी वन वाले ड्रग के लिए और एक सीसी वन से अलग जो है उनके लिए, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट आते हैं रिटेल सेल पे, तो रिटेल सेल जो होती है ये भी दो तरीके से ही होती है, एक होती है शॉप से, रिटेल सेल का मतलब क्या है जो मेडिकल स्टोर वाले बेचते हैं मेडिसिन, वो हो गई रिटेल सेल, ठीक है। तो एक तो शॉप से ही बेचते हैं, जैसे मेडिकल स्टोर्स बहुत सारे खुले रहते हैं, है ना, तो एक तो शॉप से ही हो गई, दूसरे हो गए वेंडर्स। वेंडर्स क्या होते हैं, वेंडर्स वो होते हैं जो जाके घरों में मेडिसिन दे आए, ठीक है, वो होते हैं वेंडर्स। तो सबसे पहले हम शॉप की बात करेंगे, शॉप के अंदर फार्मेसी, केमिस्ट और ड्रग स्टोर, ये तीन चीजें आती, ठीक है, इनका मीनिंग अभी समझेंगे क्या होता है आगे। यहां पर इतना समझ लो, फार्मेसी, केमिस्ट और ड्रग स्टोर, तीन चीजें आती हैं। यहां पर हमें क्या चाहिए, यहां पर एक लाइसेंस तो चाहिए हमें सी और सी वन वाले ड्रग के लिए, ठीक है, एक लाइसेंस चाहिए हमें, यहां पर लिख लीजिएगा एक्स, ठीक है, यहां पर ये वही कॉपी पेस्ट हो गया है, ढंग से लिखानी है, यहां पे आपको एक्स लिख लेना है। शेड्यूल एक्स वाले ड्रग्स के लिए भी हमें एक लाइसेंस चाहिए होता है, और एक सेपरेट लाइसेंस चाहिए हमें सी सी वन और एक्स के अलावा जितनी भी ड्रग्स हैं उन सब के लिए, सी सी वन के लिए चाहिए, एक एक्स के लिए चाहिए, और एक इन तीनों को छोड़कर बाकी जितनी भी ड्रग्स बची उनके लिए चाहिए। तो यहां पर चाहिए तीन लाइसेंस, ठीक है। जो वेंडर्स होते हैं वो क्या करते हैं, स्पेसिफाइड ड्रग्स को स्पेसिफाइड एरियाज में ही सेल करते हैं, ठीक है, जैसे उनको एक एरिया दे देते हैं उसके लिए उनको लाइसेंस भी मिल जाता है, लाइसेंस भी लेना है इसको भी, ठीक है, तो ये भी एक स्पेसिफाइड एरिया मिल जाता है इसको और वहां जाके ये मेडिसिन देके आ सकता है। इसकी कंडीशन ये होती है कि ये सी और सी वन वाले ड्रग्स को नहीं बेच सकता, ठीक है, इसके लिए इसको लाइसेंस नहीं मिला होता, बाकी सारी की सारी ड्रग्स को ये वेंडर्स बेच सकते हैं, ठीक है। तो यहां तक आपको हो गया होगा क्लियर। अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं, और जो नेक्स्ट है वो है होलसेल ऑफ ड्रग्स, जो हमने अभी ऊपर पढ़ा था उसी को ही बेसिकली यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में पढ़ रहे हैं, है ना। तो होलसेल जब भी होती है, होलसेल का मतलब क्या था, ये मैन्युफैक्चरर है, और ये मैन्युफैक्चरर जब भी एक बड़े से होलसेल वाले को दे देता है मेडिसिन, ये हो गया होलसेल वाला, और यही मैं बता रही थी आपको कि यही मेडिकल स्टोर को बेच देता है, है ना। तो हम अभी कर रहे हैं ये जो होलसेल वाला है ना, इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है, इसके होलसेल वाले की बात कर रहे हैं, जिसके पास जो कार्टन्स के कार्टन्स निकालता है अपनी शॉप से, ऐसे खुले में नहीं देता कि एक टैबलेट ले जाओगे दस ले जाओ, है ना, होलसेल में देगा, मतलब पूरे के पूरे कार्टन के कार्टन लाने पड़ेंगे इसके यहाँ से। तो होलसेल सबसे पहले हम बात करते हैं शॉप से, कि ये जो होलसेल वाला है इसने अपनी शॉप खोल रही है अच्छी खासी, वहां से मेडिकल स्टोर वाले जाके लेके आ सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले होलसेल अगर ये सी और सी वन वाले ड्रग्स की करना चाह रहा है तो इसको क्या क्या चाहिए, सबसे पहले तो 10 स्क्वायर मीटर का एरिया होना चाहिए उसके पास में, और उसके अंदर सारी की सारी फैसिलिटी होनी चाहिए ड्रग्स को स्टोर करने के लिए, क्योंकि बहुत सारी मेडिसिंस के पास ऐसी होंगी जो फ्रिज में रखी जाती होंगी, है ना, तो इसके पास फ्रिज होना चाहिए, मतलब सारी की सारी वो फैसिलिटी होनी चाहिए कि ड्रग्स जो है वो खराब ना हो पाए, है ना। नेक्स्ट पॉइंट है कि जो ड्रग्स हैं वो बेचनी चाहिए सिर्फ उन पर्सन को जिनके पास में कि लाइसेंस हो, ठीक है। ये होलसेल वाला जो है ये इन मेडिकल स्टोर वालों को बेचेगा ना, तो इसको सिर्फ उन्हीं मेडिकल स्टोर को बेचनी है अपनी दवाइयां जिन मेडिकल स्टोर वालों के पास में अपना लाइसेंस हो, जिनके पास लाइसेंस नहीं है उनको ये बिल्कुल भी नहीं बेचेगा मेडिसिन, ठीक है। इसके बाद में इसको क्या करना है, जब भी ये सप्लाई करेगा ड्रग्स की यानी कि देगा ड्रग्स को, तो इसको एक कैश और क्रेडिट मेमो भी बनवा लेना है, ठीक है, रिकॉर्ड भी बनवा लेना है जिसमें सारी चीजें इंक्लूड होनी चाहिए, जैसे सप्लाई डेट कब उसने सप्लाई किया, नेम क्या है, एड्रेस क्या है लाइसेंसी का, ठीक है, लाइसेंस नंबर क्या है और किसको वो बेच रहा है, ठीक है, वो सारी की सारी चीजें उसमें रिकॉर्डेड होनी चाहिए। और ये जो रिकॉर्ड है ना सी ड्रग्स को अगर वो बेच रहा है, तो सी वन का जो भी उसने रिकॉर्ड बनाया है उसने उसको अच्छे से मेंटेन करके रखना है, ठीक है, जो रिकॉर्ड है वो उसको प्रिजर्व करना, यानी कि रिकॉर्ड जो है वो उसको संभाल के रखना है, कब तक रखना है, जब भी उसने कोई भी मेडिसिन बेची है उसके आगे 3 साल तक उसको उस रिकॉर्ड को अच्छे से संभाल के रखना है। अब जो लाइसेंस है यानी ये जो होलसेल वाला है इसको अपना जो लाइसेंस है उस पर जो लाइसेंस है वो इस पर है ना, यहां पर ऐसे करके स्टिक करना है, इसको ऐसे करके डिस्प्ले करना है कि ये लाइसेंस है ना हर किसी को दिखे, ये जितने भी मेडिकल स्टोर वाले हैं इसके यहां से लेने भी आ रहे हैं ना मेडिसिन, तो इनको लाइसेंस वो दिखना चाहिए अच्छे से, ठीक है, उस डिस्प्ले करना है ऐसी प्रिमाइस में ताकि पब्लिक के लिए वो ओपन हो, जो भी आ रहा है इसके स्टोर पे उसके लिए ओपन होना चाहिए, मतलब उसके लिए एकदम दिखना चाहिए उसको अच्छे से, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ेंगे, अब होलसेल अगर ड्रग्स की करना चाहते हैं शेड्यूल सी और सी वन के अलावा ड्रग्स की, ठीक है,
ये हमने C1 वाला पढ़ लिया। अब सी और C1 के अलावा जितने भी ड्रग्स हैं अगर उनको बेचना चाह रहे हैं तो क्या करना होगा, तो देखो बहुत सारे पॉइंट है ना यहाँ पर आपको सेम मिलेंगे, बहुत सारी चीजें आपको सेम ही लिखनी है। जैसे 10 square meter एरिया यहाँ चाहिए, 10 square meter एरिया ही नीचे चाहिए यहाँ पर, ठीक है। 10 square meter एरिया जिसमें सारी की सारी फैसिलिटी हो, उनकी ड्रग्स जो है उनकी पोटेंसी प्रिजर्व रहे, वो खराब ना हो। इसके बाद जो ड्रग है वो बेचनी है उसी पर्सन को जिसके पास में कि लाइसेंस हो, ये ऊपर भी पड़ी थी हमने लाइन, ठीक है। लाइसेंसी जो है उसको अपना डिस्प्ले करना है, अपना लाइसेंस, ताकि वो पब्लिक के लिए ओपन हो, पब्लिक को आसानी से देख सके, ये हमने ऊपर पढ़ा ही है। तो आपको ना ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, सेम सी ही चीजें हैं, ठीक है। इसके बाद में है होलसेल फ्रॉम मोटर व्हीकल, अगर वो जा करके व्हीकल पे, अपनी कार पे या स्कूटर पे या बाइक पे जा के मेडिकल स्टोर्स को बेच रहा है मेडिसिन, तो उसको क्या क्या चाहिए, तो इसको एक सेपरेट लाइसेंस चाहिए होलसेल करने के लिए, शेड्यूल C1 के लिए और शेड्यूल C1 के अलावा जितने भी ड्रग्स हैं उनके लिए, ठीक है। बेसिकली सी और C1 के लिए एक लाइसेंस चाहिए और एक C1 के अलावा जितने भी ड्रग्स हैं उनके लिए एक अलग से लाइसेंस चाहिए। ड्रग्स जो है वो उसी पर्सन को बेचनी है जिसके पास में कि लाइसेंस हो, ठीक है। ये लाइन हमने ऊपर पड़ी हुई है, लाइसेंस जो है वो डिस्प्ले होना चाहिए उसकी व्हीकल पे, यानी कि कार है स्कूटर है जिसपे भी वो बेच रहा है उस व्हीकल पे उसको चिपका के रखना है अपना लाइसेंस, ताकि वो दिखे अच्छे से, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमने पढ़ी हुई हैं ऊपर। इसके बाद में नेक्स्ट पढ़ेंगे हम रिटेल सेल ऑफ ड्रग्स, अगर रिटेल सेल हो रही है यानी कि जो बेसिकली मेडिकल स्टोर होते हैं अगर वहां से किसी को बेचनी है मेडिसिन तो उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट चाहिए, ठीक है। तो रिटेल सेल के बारे में पढ़ेंगे, फैसिलिटी होनी चाहिए, जो शेड्यूल एन है ना ये बेसिकली फार्मेसी अगर कोई ओपन करना चाह रहा है, फार्मेसी ओपन करने का मतलब क्या है, अगर कोई मेडिकल स्टोर ओपन करना चाह रहा है तो मेडिकल स्टोर को ओपन करने के लिए जो जो रिक्वायरमेंट चाहिए ना वो सारी के सारी शेड्यूल एन में दी हुई है। तो शेड्यूल एन में जितनी भी रिक्वायरमेंट दी हुई है वो सारी के सारी होनी चाहिए। फिर ये जो मेडिकल स्टोर वाला है इसको ऐसे होलसेल वाले से मेडिसिन परचेज करनी है जिसके पास में की लाइसेंस हो, ठीक है। होलसेलर वाले को ऐसे मेडिकल स्टोर वाले को मेडिसिन देनी है जिस मेडिकल स्टोर वाले के पास लाइसेंस हो, और मेडिकल स्टोर वाले को ऐसे होलसेलर वाले से मेडिसिन खरीदनी है जिस होलसेल वाले के पास में लाइसेंस हो, ठीक है। दोनों के पास में लाइसेंस देखना है एक दूसरे का, ठीक है। नेक्स्ट है कि कोई भी सेल स्पेसिफाइड ड्रग्स की, जैसे जो शेड्यूल H और X होते हैं ना, H के अंदर तो प्रिस्क्रिप्शन वाले ड्रग्स आते हैं सारे के सारे, और X के अंदर आते हैं नार्कोटिक एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस, ठीक है। तो ये दोनों ही ड्रग्स ऐसे हैं कि डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बिना आपको नहीं देने हैं, मेडिकल स्टोर वाले को नहीं बेचने हैं। जब तक डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन नहीं दिखाएगा पेशेंट तब तक उसको ये दोनों शेड्यूल वाले ड्रग्स को नहीं बेचना है, ठीक है। इसको एक सेपरेट लाइसेंस चाहिए होगा शेड्यूल C1 और X के लिए, ठीक है। C1 के लिए अलग से और X ड्रग्स के लिए अलग से, दो लाइसेंस यहां पर इनकी रिक्वायरमेंट होगी, और तीसरा होगा जो C1 X तीनों के अलावा वाले जो होंगे। अब इसको सेल करना है क्वालिफाइड सुपरविजन के साथ में, यानी कि जो भी मेडिकल स्टोर वाला है इसके पास में एक फार्मासिस्ट भी होना चाहिए, ठीक है। फार्मासिस्ट की देखरेख में सारी की सारी मेडिसिंस बिकनी चाहिए। इसके बाद में नेक्स्ट है इसको मेंटेन करने हैं सारे के सारे रिकॉर्ड जितने भी मेडिसिंस बेक रहा है वो। नेक्स्ट है रिटेल सेल ड्रग्स का जो है वो करा जाता है फॉलोइंग शॉप से, यानी कौन कौन से शॉप्स के नाम होते हैं। फर्स्ट है केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एस्टेब्लिशमेंट। अब देखो केमिस्ट और ड्रगिस्ट है ना ये क्या होते हैं, बेसिकली ये सिर्फ और सिर्फ मेडिसिंस को बेचेंगे, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ सेल करेंगे, मेडिसिन को बनाएंगे नहीं, है ना। और सेल भी इनको करना है एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट के साथ में, यानी एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होगा जिस शॉप पे और वो सेल करेंगे मेडिसिंस को, उसको हम बोलते हैं केमिस्ट या ड्रगिस्ट, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फार्मेसी। तो फार्मेसी का मतलब क्या होता है, बेसिकली फार्मेसी का मतलब होता है ये सेल तो करेंगे ही करेंगे, साथ में ये बनाएंगे भी मेडिसिन, ठीक है, कंपाउंडिंग भी करेंगे ये, ठीक है। तो दोनों चीजें करेंगे, जबकि हमने अभी नेक्स्ट इससे पहले पढ़ा था केमिस्ट, केमिस्ट क्या करते हैं सिर्फ और सिर्फ सेल करते हैं, है ना। तो फार्मेसी जो होते हैं ये क्या करते हैं, इनको भी एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट की जरूरत पड़ेगी क्योंकि सेल भी कर रहे हैं और कंपाउंडिंग भी कर रहे हैं, तो दो दो चीज कर रहे हैं, तो चाहिए इनको रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। पर इसके साथ साथ में ये कंपाउंडिंग में भी इन्वॉल्व होते हैं, कंपाउंडिंग मतलब अगर कोई मेडिसिन बना के देनी है तो वो भी ये कर सकते हैं, ठीक है। ड्रग स्टोर जो होते हैं ना ये बेसिकली जो हाउस होल्ड रेमेडीज होती है ना, जैसे कि विक्स की गोली हो गई या फिर विक्स विप्रोप हो गया, ऐसी जो छोटी मोटी चीजें होती है ये ड्रग स्टोर वाले उसको बेचते हैं ना।
छोटी मोटी चीजों को, छोटी मोटी चीजों को बेचते हैं, इसीलिए इनको रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट की जरूरत नहीं है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद में केमिस्ट, ड्रगिस्ट और फार्मासिस्ट जो है उनको सेपरेट लाइसेंस चाहिए सारी की सारी ड्रग्स के लिए, यानी CC1 वाले ड्रग्स के लिए इनको अलग से लाइसेंस चाहिए, शेड्यूल एक्स के लिए इनको अलग से लाइसेंस चाहिए, और जो CC1 और एक्स में नहीं है ड्रग, इसके अलावा जितनी भी ड्रग है, चाहे वो ए की हो, बी की हो, है ना, और डी की हो, ई की हो, ये जितने भी ड्रग्स हैं उनके लिए इनको अलग से एक लाइसेंस चाहिए, ठीक है। तो बेसिकली इनको 3 लाइसेंस चाहिए। इसके बाद में नेक्स्ट पढ़ेंगे रिटेल सेल अगर वेंडर्स के थ्रू हो रही है तो। वेंडर्स का मतलब क्या बताया था मैंने, जैसे जो जा जाके एक फिक्स्ड एरिया में जा जाके घरों में मेडिसिन दे रहे हैं, तो वेंडर्स जो होते हैं इनके पास एक फिक्स्ड प्लेस नहीं होता है ना, इनके पास शॉप नहीं होती अपने बिजनेस के लिए, लेकिन जो लाइसेंसिंग अथॉरिटी है वो इनको एक लाइसेंस प्रोवाइड करा देती है कि आप एक पर्टिकुलर एरिया में जा जाके मेडिसिन बेच सकते हैं, ठीक है। तो ये जो लाइसेंसी है ये सेल करते हैं ड्रग्स को, इशूड ओनली फॉर द ड्रग्स, इनको लाइसेंस इशू होता है केवल उन ड्रग्स के लिए जो कि स्पेसिफाइड अदर देन दोज जो कि शेड्यूल CC1 वाली ड्रग्स नहीं होती हैं, ठीक है। CC1 वाली ड्रग्स को ये नहीं जाके बेच सकते हैं, CC1 के अलावा जितने भी ड्रग्स हैं उनको जाके ये घरों में बेच सकते हैं, ठीक है। तो आज का वीडियो ये था, आई होप आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक नहीं किया है तो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। लास्टली थैंक यू, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।